अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है जी ड्रेस डिजाइनिंग वीडियो पे, मैंने किस तरह कपड़े सिलवाए हैं। अच्छा, इस दफा ना मैंने सिलवाए हैं ना ही बहुत लंबे सिलवाए हैं, ना ही बहुत खुले सिलवाए हैं, ना ही बहुत बड़ी बड़ी शलवारें और बहुत खुले खुले ट्राउजर सिलवाए। इससे इस तरह क्या होता है कि प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गेन हुआ होता है और हम इतने खुले खुले इतने बड़े बड़े कपड़े पहन लेते हैं, इंसान पे ढंगा लगना शुरू होता है। ईमान की दफ़ा मैंने यही किया था कि सीधी सीधी खुली खुली शर्ट सिलवा ली थी और वो मज़ा भी नहीं आता था पहनने का और क्या कहते हैं बाद में भी इस्तेमाल नहीं होती। इस तरह मैंने फ्रॉक सिलवाए हैं घुटनों से थोड़े से ऊपर, थोड़े से खुले खुले, साथ लगा कपड़ा नहीं है लेकिन खुले खुले थोड़े से फ्रॉक्स हैं और तंग पोंचे वाली ना शलवारें हैं स्ट्रेट विदाउट वो जो नीचे लगा होता है ना क्या कहते हैं सिलाइयाँ डली होती हैं, उस सिलाइयाँ नहीं डाली, जिप लगवाई है और तंग पोंचे वाली ना शलवारें बनवाई है। मैं आप लोगों को सब बारी बारी दिखाऊंगी क्योंकि सब कहते होते हैं कि प्रेगनेंसी में लंबी लंबी खुली खुली शर्ट्स पहनो, अगर नहीं भी अच्छे लग रहे तो कोई बात नहीं बाद में अच्छे लग जाना। लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत ख्याल रखा है, डेली मैं रेडी होती हूँ। रेडी होने से क्या होता है, मैं फ्रेश भी फील करती हूँ, मैं एक्टिव भी फील करती हूँ और मैं थोड़ा बहुत हिलती जुलती भी रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। जब इंसान बैठ जाता है ना तो इंसान बैठ ही जाता है और ना आवाज़ार होना शुरू होता है अपने आप से ही, लेकिन आवाज़ार इस दफ़ा मैं बिल्कुल नहीं, मैंने अपने आप को बिज़ी रखा। रेडी होती हूँ रोज़, हल्का सा मूड होती हूँ, हल्का सा मेकअप करती हूँ। अभी तो मैं शूट करके उठी थी इसलिए आप लोग को इतना मेकअप लग रहा है और ये बाल छाल मैंने बनाए हुए थे, अब तो ख़राब हो गए हैं सारे। चलो जी, अब मैं आप लोगों को एक सूट पहन के दिखाऊंगी और बाकी का मैं आप लोगों को सारे वैसे दिखाऊंगी, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, चले जी अब वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये देखिए ये वाली मैंने शर्ट पहन ली है, इसके बाजू अभी तो यहाँ पे ना लाइट सही नहीं है तो लाइट लगी हुई, रखने की कोई जगह नहीं थी, बैठने की कोई जगह नहीं थी। अब आप लोग जब ओरिजिनल लाइट में बाहर जाके मैं आप लोगों को सब कपड़े दिखाऊंगी ना तब आप लोगों को डिज़ाइन समझ लगेगा। ये देखिए बिल्कुल हल्की फुल्की सी लेस है, इस तरह मतलब तैयार भी लगता है, प्रेजेंटेबल भी लगता है, थका हुआ भी लगता, अब प्रेगनेंसी का ग्लो भी लग आता है जब हल्का फुल्का बंदा तैयार हो जाता है और अच्छा ही बड़ा लगता है कि अच्छा प्रेगनेंसी में इतने प्यारे लग रहे हो आप, प्रेगनेंसी में इतने फ्रेश हो आप। उससे ना इंसान का दिन भी अच्छा गुजर जाता है और मज़ा भी आता है। ठीक है ना, चले जी अब मैंने आप लोग को एक से शर्ट पहन के दिखाई, इसी नाप की सारी हैं बट डिज़ाइन डिफरेंट है। अब मैं आप लोग को बारी बारी ना सब शर्ट्स के डिज़ाइन दिखा देती हूँ और आप लोग तसल्ली से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चले जी, ये है जी ड्रेस नंबर वन, ये टू पीस है लेलन का ड्रेस, शर्ट इसकी ये है और ट्राउज़र इसका ये है। मैं आप लोग को प्रॉपर ट्राउज़र भी खोल के दिखाऊंगी, ट्राउज़र नंबर शलवार है। अच्छा, इसके गले के ऊपर बारीक लैस लगवाई है और कलियां डलवाई हैं गोटे की लैस की। एक गोटे की लैस होती है थोड़ी सी अकड़ी हुई होती है और मोटी होती है, वो नहीं लेनी, वो प्रेगनेंसी में आप लोग को चुभेगी। अगर वैसे नॉर्मल रूटीन में पहन रहे हैं घर में आम पहनने वाले कपड़े उसमें भी चुभेगी आप लोग को, उनको कहना नरम वाली गोटे की लैस दिखाएं। ये है गला, ठीक है, फिर ये दो डलवाई हैं कलियाँ, गले पे बारीक है और कलियों में मोटी है ये लेस। दोनों सेम करवा लेते तो थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन डल जाना था। गले की बारीक रखिएगा ये वाली लेस और दूसरी मोटी रखिएगा और इसी तरह ही नीचे फ्रॉक ही आ गया देखिए। और मैंने लेंथ रखवाई है अपने घुटनों तक, जहाँ पे घुटनों की नी कैप शुरू होती है ना, ये देखें जी ये घुटना शुरू हुआ है ना मेरा, यहाँ से शुरू यहाँ तक शर्ट है मेरे, इसके नीचे तक नहीं है, यहाँ तक शर्ट मैंने रखवाई है और शलवार के साथ रखवाई है ताकि ना बहुत ज़्यादा सिमेट्री से लुक है। हाँ जी जान, और ये हैं इसके बाजू। मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ड्रेस, थैंक यू जान। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बेटा एक मिनट, ये जी ओवरऑल लुक ये है इसकी शलवार। जो लोग कह रहे थे कि यहाँ से दिखाएं, यहाँ से आपने बेल्ट किस तरह रखवाई है, कलियाँ किस तरह रखवाई हैं, ये है फ्रंट वाली लुक, ठीक है, और ये नीचे आती 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 नीचे से ट्राउजर वाली लुक हो गई है। इससे क्या होता है कि जो इंसान मोटा होता है ना उसकी स्लिम लुक आनी शुरू हो जाती है। अगर नीचे से भी शलवार का पोंचा बड़ा सारा रखवा दें और सिलाइयों वाला करवा दें, मुझे लगता है कि उससे और भारी भारी लुक आती है। इससे क्या होता है मोटापा भी थोड़ा छुप जाता है, ऊपर शलवार होती है और नीचे से आता आता पतला हो जाता है तो फिर स्लिम लुक आनी शुरू हो जाती है। ये सब ट्राउज़र्स के इसी तरह का पैटर्न है, ये ऊपर से और ये नीचे से। उसके बाद आता है ये वाला ड्रेस, ये लिया था, थ्री पीस है ये खाड़ी का, ये इसकी शर्ट है,
ये इसका प्लेन ट्राउज़र है, इसी तरह शलवार नुमा ट्राउज़र रखवाया है, और ये इसका आ जाता है दुपट्टा। आप लोग इससे गले का डिज़ाइन देखें, ये गले का डिज़ाइन है। पिंक इसलिए रखवाया था कि दुपट्टे के अंदर पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, तो मैंने इधर पिंक कलर की सीढ़ी लेस डलवाली थी गले में, और पिंक कलर की पाइपिंग डलवाली थी बस। बाकी सिंपल सा बाजू टाइट, ए लाइन फ्रॉक टाइप, शर्ट टाइप, और ये इसका गला, ठीक है। शलवार इसकी वैसी ही है जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले दिखाई है, और ये इसका दुपट्टा। ये है जी अगला ड्रेस, ड्रेस नंबर 3। ये लिया था पोल्का डॉट्स वाली, इस तरह बड़े डॉट्स वाली शर्ट थी, और इसके साथ प्लेन ट्राउज़र था। तो मैंने कलर ब्रेकेज देने के लिए इसकी पिंक के साथ कंट्रास्ट किया था। ये पिंक जो लेस है, ये मैंने नेट वाली लेस ली थी, और पिंक पाइपिंग के साथ ये मैंने फिर सिलवा लिया था, ठीक है। कोई भी आप लोग कपड़ा ले लीजिएगा, लेलन का 2-पीस ड्रेस है। मैं आप लोग को ज़रा पास से भी लेस दिखा देती हूँ, लेस किस तरह की है। नेट वाली लेस है, ये देखें इस तरह की ये लेस थी। मैंने इस तरह का गला बनवा के पूरी एक लाइन लगवा ली ताकि कलर ब्रेकेज हो जाए और अच्छा अच्छा लगे। और ये ऐसे कफ़ वाले बाजू बनवा लिए, और कफ़ वाले बाजू के आगे थोड़ी सी ना ये चुनटे डलवा ली थी। और दूसरी तरफ करते हैं, यहाँ पे हैं 2 बटन्स लगे हुए, सिंपल सा एलिगेंट सा। और ये पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मैं पहनती रहूँगी, आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स में दिखाती रहूँगी। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि पहन पहन के और फिर करके ना दिखाऊँ, बड़ा थक जाती हूँ। और ये इसकी है शलवार, देखिए ऊपर से शलवार की शेप है और नीचे से आके तंग ट्राउज़र है। इस तरह के ना मुझे तो बहुत अच्छे लगे, इसमें ना मोटी लुक आ रही थी और स्लीक भी लुक आ रही थी और अच्छी भी लुक आ रही थी। आप लोग एक सिलवा के लाजमी देखिएगा, ठीक है जी। ये आता है जी अगला ड्रेस। अच्छा, आजकल चल रहे हैं ट्राउज़र भी प्रिंटेड और शर्ट्स भी प्रिंटेड, खाड़ी की हो गई, जनरेशन की हो गई, या किसी भी और ब्रांड की हुई ना, और सेम चल रही हैं, लेकिन अक्सर नहीं मिलती होती सेम। मेरा बड़ा दिल कर था सेम सिलवाने का। अच्छा, आप लोग पहले इसका गले के डिज़ाइन देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये सिंपल सा गला है, जिस प्रिंट की शर्ट है उस प्रिंट की वो रखवा के पट्टी साइडों पे ये गोल 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 करवा दिया। ये इसकी शलवार है, ये देखें। और इस शलवार पर मैंने यहाँ पर जिप लगवा दी थी थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, ठीक है। और मैंने ग्रीन पाइपिंग करवा ली, बाजू इसके खुले थे। गले का डिज़ाइन मैंने आपको पास से दिखा दिया था, नहीं देखा हो क्योंकि मैं बातों में लग गई थी, तो पीछे करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप लोग अब ले लें। ये है जी अगला ड्रेस। ये है जी मेरा ख्याल खाड़ी का, हाँ जी खाड़ी का है, 3-पीस शायद। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये इसकी शर्ट है, ये इसका ट्राउज़र है, और ये इसके दुपट्टा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पास से इसके गले का डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये देखें, ये है गले का डिज़ाइन, वही शर्ट का कपड़ा दरमियान में लगाया है, प्लेट्स लगवाई हैं, लेस लगवा के उसी कलर की हम लोगों ने इस तरह कोन टाइप बना लिया है, बाजू पे इस तरह प्लेट्स डाल दी हैं और आगे लेस लगा दी है। बहुत बड़े बाजू नहीं रखवाए और बहुत तंग बाजू भी नहीं रखवाए, ठीक है जी। ये ओवरऑल लुक है, आप लोग इस तरह स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और इसी तरह ही ए लाइन बना ली है, क्योंकि जो होता है ना थाइज़ वाला हिस्सा वो थोड़ा मोटा हो जाता है, तो वहाँ से मैंने खुली सारी शर्ट्स रखवाई हैं। और ट्राउज़र इस तरह मैंने सारे एक जैसे, ये देखिए इसका भी सेम डिज़ाइन है, ताकि नीचे से आते आते ना स्लीक लुक आ जाए। ये इसकी बेल्ट है इस तरह की, और ये है ओवरऑल लुक। उसके बाद आता है ये वाला ड्रेस, जो कि मैंने परसों पहना था इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में, आप सबको बहुत बहुत पसंद आया था इसका कलर कम्बिनेशन। ये भी है मेरा ख्याल है खाड़ी का, ये इसकी शलवार है, ये चुटमुट इसलिए हुए मैंने पहना हुआ था। इसकी शलवार थोड़ी सी डिफरेंट है, ये मैंने थोड़ा सा ना इंक्लाइन कर लिया था। और ये इसका गला है जिसका आप लोग डिज़ाइन पूछ रहे थे, मैंने कहा था प्रॉपर तब नहीं दिखाऊँगी, इस वीडियो में दिखाऊँगी। ये देखिए फ्रिल लगा के, बहुत बड़ी फ्रिल नहीं लगानी और बहुत छोटी भी नहीं है, दोनों साइड पे फ्रिल है, फिर वी है, फिर लूप्स हैं, और फिर ये बटन्स लगाए हुए हैं। और ये इसके आ गया बाजू, ये आ गई ओवरऑल लुक शर्ट की। अच्छा, गला पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था, ये लाजमी सिलवाइएगा। और ये ट्राउज़र भी साथ बड़ा अच्छा लग रहा था, हल्का सा इंक्लाइन करके कट है इसका, बाकी ऊपर से सेम शेप है, नीचे से थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। और ये इसका दुपट्टा, एक शॉप पे जाके सिला हुआ सूट लेके जो मुझे लग रहा था बिल्कुल परफेक्ट है वो लेके, वो मैंने दर्जी को नाप दिया था, क्योंकि दर्जी को अगर इस तरह नाप दे देंगे ना, ये शर्ट है इसको 1 इंच खुला कर देना, 1 इंच तंग कर देना, 1 इंच लंबा कर देना, वो खराब हो जाता है। सबसे बेस्ट ये रहता है, कहीं जाओ
वहाँ से सिला हुआ सूट पहन के देखो, जो सबसे बेस्ट आपका नाप हो, ना खुला हो ना तंग हो, जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी ही लेंथ हो, जितना आपको ट्राउजर चाहिए उतना ही ट्राउजर की लेंथ हो, वो लेके दर्सी को दे दो, कहो भाई इस तरह का सेम सी दो। और मुझे इतने अच्छे से कपड़े सिले लगे हैं ना, क्योंकि मैंने इसी तरह ही किया था, मैंने ईगो से टू पीस शर्ट और शलवार ली और मैंने सेम उसी नाप के सारे सिलवा लिए। अगला है जी ये वाला ड्रेस भी पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था, इसके स्लीव्स बहुत अच्छे लग रहे थे। ये टू पीस ड्रेस है, इसका दुपट्टा है, ये इसकी शर्ट है। अच्छा जी, पहले मैं आप लोग को गला दिखाती हूँ पास से। ये देखें, ये बैलून स्लीव्स हैं और बॉक्स गला है इसका, और सारे बटन्स लगाए हुए हैं। उसके बाद ये थोड़ा पास से दिखाती हूँ, ये देखें चुनटे डाली हुई शोल्डर्स वाली साइड पर, और इस तरह इस शेप का गला है, और सारे नीचे तक हमने ज़्यादा सारे बटन्स लगाए हैं। फिर ये कफ वाले बाजू आ गया, कफ वाले बाजू पे बटन्स आ गए, फिर चुनटे आ गई, और चुनटे आनी थी क्योंकि ऊपर बैलून वाली स्लीव थी तो नीचे आती आती ज़्यादा चुनटे आ गए। ये है जी ओवरऑल लुक शर्ट की। अगला आ गया जी ये वाला ड्रेस, इसकी शर्ट जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड है, और ट्राउज़र जो था इसका था प्रिंटेड। ये इसकी शर्ट है और ये इसका ट्राउज़र है। चलें जी, अब सबसे पहले शर्ट की डिज़ाइन देखते हैं। शर्ट का सिंपल सा डिज़ाइन है, लेस लेके लगा दी थी और इस तरह गला बना दिया था। जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसका छोटे 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 समोसा वर्क करवा दिया था गले पे, ये देखें। और शर्ट के कपड़े की ही पट्टियाँ दो लगा दी थी, और ये है इसके बाजू, ये लेस लेके लगा दी थी। ये आ गई जी ओवरऑल लुक। अब मैं आप लोग को इसका इसकी शलवार दिखाती हूँ। इसकी शलवार थोड़ी सी समोसा टाइप शलवार थी, उस तरह की नहीं थी जिस तरह मैंने आप लोग को पहले दिखाई थी, लेकिन ऊपर से बेल्ट सबकी सेम है, नीचे से आते आते थोड़े से डिज़ाइन डिफरेंट है। अगला है जी ये वाला ड्रेस, ड्रेस नंबर 9। अच्छा, ये भी पहनना अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों ने घर के आम कपड़े पहन के सो जाना होता है तो ये सोने के लिए बिल्कुल नहीं है, चुभेंगे बटन्स आपको। आप लोग को किसी ऐसे कपड़े पर बनवाना पड़ेगा जो आप लोग दिन दिन में पहनते हैं, कहीं आने जाने वाले कपड़े। ये देखें, लूप्स लगाए पिंक कलर के और बटन्स लगाए वाइट कलर के, ताकि दोनों अपनी अपनी जगह प्रोमिनेंट हो, कोई भी छुपे ना चीज़। और बाजू पर इस तरह के बटन्स लगा लिए, दूसरा बाजू प्रोमिनेंट है, वो मैं आप लोग को ज़रा पास से दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह के सारे बाजू पे बटन्स लगा लिए, लूप्स जो थे पिंक और वाइट बटन्स गले पे और ये बाजू पे। और उसी तरह इसकी शर्ट है ए लाइन, और ये है, ये भी टू पीस है, ये इसका दुपट्टा है। चलें जी, सूट हुए ख़त्म। अब आप लोग ने जो स्क्रीनशॉट लेना भूल गए हैं, पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लें, वरना सिंपल सिंपल से डिज़ाइन से देख के याद हो गए होंगे। हाँ जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, डिज़ाइंस अच्छे लगे होंगे। इसीलिए जो जो लड़कियाँ मेरे साथ इस रेस में हैं वो एक्टिव रहें, डेली थोड़ा सा तैयार हो जाया करें, जितना काम कर सकती हैं आसानी से थोड़ा बहुत हिला जुला करें, ताकि टाइम पीरियड भी अच्छा गुजर जाए, फ्रेशनेस भी रहे और आवाज़ारी भी ना हो, और टाइम भी जल्दी गुजर जाता है। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने कपड़े सिलवाने हैं तो आप लोग सिंपल सिंपल सिलवाएं, क्योंकि शॉल्स वगैरह लेनी होती है, स्वेटर वगैरह लेने होते हैं। सिंपल कपड़े ना सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं, ज़्यादा मीनाकारियाँ करवा लें तो फिर स्वेटर और शॉलें वगैरह लेके ना फिर चुभना शुरू हो जाते हैं बटन्स वगैरह ज़्यादातर। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।